जगह बहुत खूबसूरत है, बड़ा मजा आ रहा है। मेरे पीछे देखिए। ओके ये जो ठंडा ठंडा वेदर है ना। हल तो जोश। अच्छा खाना मिल जाएगा। तो मैं ये नहीं करूंगी। इस होटल का नाम क्या है बताओ तो? कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जहाँ रुके हुए हैं वहाँ जो शेफ साहब हैं वो घर चले गए हैं, कुछ इमरजेंसी आई थी तो चले गए। तो यहाँ भी कोई शेफ़ नहीं है, तो जो भी रूम सर्विस है वगैरह है या ब्रेकफास्ट खाना पीना उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। रिसेप्शन वाला बंदा जो है राजू, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप बाहर से अगर कुछ ब्रेकफास्ट के लिए लेना चाहते हो तो ले लीजिए सर। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि यार फिर बेसिक चीज़ हम मतलब यूज़ करेंगे, जैसे कि ब्रेड बटर अंडे ये सब हो गया, तो अगर मैं बाहर से ले लेता हूँ आप बॉयल करके मुझे दे दोगे? तो उन्होंने बोला कि आप बॉयल वॉयल हम लोग करके दे देंगे सर, आप बस जो गैस वैस का हो और जो सर्विस जो हो वो आप मुझे दे देना, विच इज़ वेरी काइंड। तो अब हम वही कर रहे हैं। नई जगह है, मुझे पता नहीं है कहाँ क्या मिलेगा। ये सब्ज़ी शॉप है यहाँ, मुझे शायद भैया ब्रेड है क्या? वाइट है। कौन सा है, वाइट है या फिर ब्राउन है? ठीक है, एक ब्रेड दे दीजिए। और बटर भी है आपके पास? कहाँ मिल जाएगा? ऐसा फ्रेश ब्रेड नहीं था उनके पास, जो था वो आज ही खा के ख़त्म करना होगा, तो बड़ा ब्रेड था। तो मैंने सोचा यार एक दिन आगे का एक्सपायरी वाला लेते हैं ताकि मैं तरीके से उसको यूज़ कर पाऊँ। तो हम आगे जा रहे हैं, आगे देख रहे हैं, आगे भी किराने की दुकान है, वहाँ मुझे मिल जाए शायद। वो रहा सामने, हाँ फ्रेश ब्रेड तो मिल गया, बटर भी ले लिया। अब वहाँ जहाँ हम इससे पहले गए थे वहाँ जा करके अपन लेने वाले हैं कुछ फ्रूट्स और अंडे। जगह बहुत खूबसूरत है, बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे पीछे देखिए, राइट आ जाओ आ जाओ, मनाली आ जाओ, बहुत बहुत ही बढ़िया वेदर है, मज़ा आ जाएगा। हाँ ये बढ़िया लग रहा है मुझे, ये सही है ना? बढ़िया चलेगा, चलेगा ना? तो दे दो, आज भी खा सकते हैं ना इसको? एक दर्जन निकाल दो आप, और एक ट्रे अंडा दे दो आप। ओ भाई साहब बहुत कुछ ले लिया है, अब चलते हैं अपने कमरे में। ये सब मैं उनको दे दूंगा कि भाई ब्रेड टोस्ट, अंडे उबाल दो, और तो उससे पहले हम फल से शुरुआत करेंगे। जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ रहने में ये हमारा पहला दिन ही है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए ये नज़ारा है। जीतू भाई सब ले आया। चलो ब्यूटीफुल प्लेस। ओके रेडी हो गया मामला। साथिया ओके पार्टनर पार्टनर पार्टनर, चलो शुरू करते हैं। मैं कॉल ही करने वाला था अभी। थैंक यू भाई, यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो ऐसे। ये ब्रेड थोड़े सर जल्दबाजी में गलत कट गया ना। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे को उतना नहीं आता है। नहीं 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 यार, आता है, बहुत आता है। शाबाश, थैंक यू, आपने लाकर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, थैंक यू वेरी मच भाई, गॉड ब्लेस यू बाबा। नाश्ता आ गया है, तो अब हम अटैक करने वाले हैं। ओके नाइस, प्रिया मंदिर खा रही है कोजी होकर के। चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ? मैंने पूछा आपसे कैसा है? सुपर्ब एज ऑलवेज। ये जो ठंडा ठंडा वेदर है ना, और इसमें ये खाना और फिर ये धूप, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी। एब्सोल्युटली राइट। ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ एडिट करने। मेरा थाईलैंड का बहुत सारा ब्लॉग अभी भी एडिट करना बाकी है, वक्त ही नहीं मिला, इतना ट्रैवल कर रहे हैं ना।
तो अभी मैं एडिट पे बैठूंगा, फिर उसके बाद हम लंच के लिए बाहर निकलेंगे। यहाँ राजू जी ने कुछ सजेस्ट किया है कि यहाँ आसपास बढ़िया लंच है, पैकेज में है कुछ थाली वगैरह ऐसा है, तो हम वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कैसा है मनाली स्पेशल खाना है। उसके बाद का जो प्लान है वो कुछ चीज़ें हमें ख़रीदनी है, जैसे कि कॉफ़ी मेकर केटल। फाइनल व्यू नहीं दिखाया, फाइनल व्यू नहीं दिखाया था रूम का बाहर कैसा दिखता है, तो अब हम आपको दिखाते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। स्नो माउंटेन भी है। यस। वो दिखा क्या? वो एक सेकंड। तो ज़ूम। हाँ दिख रहा ना? हाँ। जब यहाँ बर्फ गिरेगी ना, तो ये सारे पहाड़ भी ढक जाएंगे बर्फ से। वाओ। तो हम रेडी हैं टेंपल बे कैफे में जाने के लिए, जिसका जिक्र मैंने किया था ना कि वहाँ जा करके हम लोग लंच करेंगे। हमें 5-7 मिनट चलना पड़ेगा। How's the Josh? Very good. Very good. इसलिए तो ये juice भी ले लिया। दो बहनें। बड़ा ही एडवेंचरस लग रहा है, इन शॉर्ट मज़ा आ रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है। हमें बताया गया है कि इसी गली के अंदर नीचे जाते हुए राइट साइड में टेंपल वे कैफे, अच्छा टेंपल वे कैफे है, इट्स नॉट टेंपल वे कैफे। ये हम आ गए कहाँ? ओहो भाई साहब, ओ भाई साहब, सब खैरियत है भाई। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बात है? अच्छा अच्छा, अरे दोस्ती हैं। ओ डी बाबा। ये इसमें जाना है, आ जाओ। नमस्कार जी, खाना मिल जाएगा? ठीक है, कहाँ बैठे हैं? जाम। अरे वाह, अंदर भी जगह है। हाँ देखो, वो गाइड करके लेते आया। खाना खाया हमने, हम आ गए थे, हमने ऑर्डर दे दिया था, पर जगह साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ़ सुथरा नहीं था। ख़ास तौर से जिस बर्तन में आप खा रहे हैं, जिस ग्लास में आप पानी पी रहे हैं, और जो जगह, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ठीक है, अभी तो चले गए थे तो खा लिया, और अब हम आगे जा रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं प्रेम? अभी हेलो, हमारे केटली टर्निंग। अच्छा, कॉफ़ी के लिए वो केटल खरीदना है, तो चलते हैं मार्केट में। कितना दूर है मार्केट मुझे भी नहीं पता, पूछते पाछते जाएंगे। ये जो स्लोपी वाला रास्ता है ना, मैं दिखाता हूँ अभी आपको,
ये शॉर्टकट है मॉल रोड के लिए, तो हम अभी जा रहे हैं मॉल रोड और वहां से जाकर के खरीदेंगे जो भी जरूरत की चीजें हैं। हमें यहाँ से राइट लेना था, पता है हमें यहाँ से, इधर से हमें, मतलब हम तो उसी रास्ते से आए ना, यहाँ से हमको राइट लेना था। समझ में आया? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, इन्होंने जो सीधा सीधा बोला तो हमारा जो होटल है उसी को क्रॉस करते हुए जाना है। यस, मतलब कल रात को जहाँ पे गए थे। हाँ ठीक है, चलते हैं। चलो क्या हुआ? पीठ में खुजली हो रही है। खुजा दो। अच्छा, टैग 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 बाबू। हाँ, और थोड़ा नीचे मम्मा। नए नए नुस्खे हैं। Oh my God, what is that? इस होटल का नाम क्या बताओ तो? डी शैलेट। मैं बोलती हूँ डी शैलेट। डी शैलेट। और मैं बोलता हूँ इसका नाम है डी शाले। टी साइलेंट होगा। ओह अच्छा, डी शैलेट। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या नाम होना चाहिए। बुफेट और बुफे। बुफेट। हॉनेस्ट और हॉनेस्ट। Honest or honest? ये कोई राइड है प्रियम? हाँ। वो आपने देखा होगा। वो उसमें आप जब बैठोगे ना, आपको ऐसे ऐसे किया जाएगा, शेकी शेकी। शेकी शेकी। खाना जब तक नहीं निकलेगा। वो जो वो चीज है ना, वो आपको बिठाएगा, फिर आपको आसमान में फेंक देगा, और फिर आप चांदी चौक से चढ़ना हो जाएंगे। मैंने आजाद को बोला था, ये हमने बैंकॉक में देखा है, ऐसा है कि ऊपर यू दे विल मेक यू सीट एंड दे विल गिव यू फूड। आपको ऊपर में वैसे खाना होगा, आपको हवा में जाएगा खाना। ये आपको हवा में खाना खिलाएंगे। बदला ले रही है सादिया, कोई बात नहीं, मेरा टॉलरेंस बहुत अच्छा है। ये आपको हवा में खाना खिलाएंगे। इंसान और उसका आविष्कार। चलना है क्या ऊपर? दुख हो चाहे।
मॉल रोड का चार्म भैया, केतली मिल जाएगी, वो वायर वाली केतली। मसाला लिया जाए, ऊपर रख दो। सो हम बैठने वाले जगह इसका लिया, एक लीटर का ही ले लिया, एक काम आ जाएगा सर। की जो खरीदा था हमने खरीद लिया और अब वापस आ गए हैं। बहुत लंबा पैदल चलकर जाना पड़ा था, राइट प्रेम? पर मजा आया चलने में। और अभी हम अपने होटल आ गए हैं, तो अब हम आराम करेंगे, थक गए हैं, और फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, राइट साधिया? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बोला कैसी हो तुम, ठीक हो ना? उससे मैंने पूछा क्या हो रहा, सब ठीक है ना? थैंक यू सो मच। अब सादिया अब उसे कंप्लीट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस मोर वीडियोस। लाइक